देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे जनपद में 2 तारीख के दिन लगभग 1:30 बजे के आसपास निचरौल में घटना हुई थी, जहां एक वृद्ध महिला का चेन छीना गया था। और उसके बाद उस समय वहां पे मौके पर एक स्प्लेंडर बाइक पे 3 युवकों के होने की बात संज्ञान में आई थी। इस संबंध में एक अभियोग वहाँ पंजीकृत किया गया था। इसके बाद 2 से 2:30 बजे के बीच में गुगली थाना क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ एक ग्राहक सेवा केंद्र और एक चाय दुकान पर मारपीट की बात और पैसा छीनने की बात आई थी। जब इस प्रकरण में भी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए 307 और 392 जैसे ही गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था गुगली में। इन दोनों घटनाओं के अनावरण में एडिशनल एसपी साहब के अंतर्गत दोनों सीओ साहब और एसओजी स्वाट तथा दोनों थानों की टीमों को लगाया गया था और कई जगहों पर दबिश दी गई थी। कई जगहों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। गंगा से जाँच करने पर निकल के आया कि ये दोनों घटनाएँ एक ही मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों द्वारा की गई है। इस संबंध में और गहनता से जांच की गई और आज इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो क्रमशः विशाल राव पुत्र हरिश्चंद्र, जो उम्र 21 वर्ष है, मूल रूप से थाना तिवारीपुर गोरखपुर के रहने वाले हैं, और दूसरा करण यादव, उम्र 19 वर्ष, ये भी डोमिनगढ़ तिवारीपुर गोरखपुर के रहने वाले हैं, और तीसरा अभियुक्त जो हमारे जनपद का है, राहुल पांडे और मयंक पांडे, जो थाना गुगली का रहने वाला है। इसके ये इस वक्त पुलिस के गिरफ्त से दूर है और इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है। इनके पास से, इनके द्वारा घटना में प्रयोग किया गया एक कट्टा, एक कारतूस और एक चले हुए कारतूस के साथ, और साथ में इसमें जो पैसे इनके द्वारा छीने गए थे उसमें से 10,000 रुपये और इनके पास से घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर बाइक, इसे बरामद किया गया है। और साथ में इन दोनों का आपराधिक इतिहास अभी तक संज्ञान में नहीं आया है, इसके बारे में गहनता से जाँच की जा रही है। एक जो फरार अभियुक्त है राहुल पांडे, उसके विरुद्ध हमारे जनपद में तथा गोरखपुर के कई थानों में लगभग 20 से ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं और उसकी गिरफ्तारी है तो प्रयास जारी है और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करते हुए अग्रिम कार्रवाई की। सर, एक अपराधी का जो है बताया जा रहा है कि सिर मुड़ा करके वो भाग गया था, भेस बदल गया था, क्या मामला है? देखिए, अभी तक ये जो 2 अभियुक्त हैं इनके साथ इस तरह की बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है, तो तीसरा अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के बाद ही हम पुष्टिकारक इस बारे में टिप्पणी कर पाएंगे, मगर जो तीसरा अभियुक्त है हमारे जनपद का ही है, इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है।